नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। मजदूरी करके घर लौट रही महिला को टू व्हीलर ने मारी ठोकर, इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत। महिला जमुनिया रामपुर बगलान की रहने वाली थी। गांव में ही हुआ हादसा, पूरा परिवार था साथ में। खेत काटने का काम करने गई थी महिला। मजदूरी करके घर लौट रही महिला को टू व्हीलर ने मारी ठोकर, इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत। महिला जमुनिया रामपुर बगलान की रहने वाली थी। गांव में ही हुआ हादसा, पूरा परिवार था साथ में। खेत काटने का काम करने गई थी महिला अपने पूरे परिवार के साथ, जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ। महिला काम खत्म करके लौट रही थी, महिला आगे थी, उसका पूरा परिवार पीछे पीछे था। उसी दौरान एक तेज़ रफ्तार टू व्हीलर ने पीछे से उसको ठोकर मारी और उसी के ऊपर मोटरसाइकिल उसकी गिर गई। परिजन तत्काल ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने मोटरसाइकिल किनारे की, महिला को उठाया, लेकिन महिला को काफ़ी चोटें आई थी। इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मुन्नी कोल 55 साल की थी, जमुनिया रामपुर बगलान की रहने वाली थी। इस समय गांव में खेती कटाई बुवाई का काम चल रहा है। वह खेत में मजदूरी का काम किया करती थी। पूरे परिवार को इन दिनों गांव में ही काम मिला हुआ था, जिसके चलते पूरा परिवार गांव में मौजूद था, एक ही खेत में काम कर रहा था। पिछले कई दिनों से ये लोग यहां पर काम कर रहे थे। कल भी मुन्नी अपने परिजनों के साथ खेत में गई थी मजदूरी करने। वहां पर काम खत्म करने के बाद पूरा परिवार शाम को लौट रहा था। मुन्नी आगे थी, बाकी लोग पीछे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टू व्हीलर चालक वहां से निकला, उसने मुन्नी को जोरदार ठोकर मारी। मुन्नी गिर गई, उसके ऊपर मोटरसाइकिल गिर गई। चालक को बिल्कुल चोटें नहीं आईं। तत्काल ही मुन्नी के परिजन मौके पर पहुंच गए, थोड़ा ही पीछे थे, आगे पीछे वो लोग चल ही रहे थे। तुरंत ही उन्होंने मुन्नी के ऊपर से मोटरसाइकिल उठाई, उनको सीधा किया। तब तक मोटरसाइकिल चालक ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक मुन्नी के परिजन कुछ समझ पाते, मोटरसाइकिल चालक वहां से 9:00-11:00 हो चुका था। परिजन उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी नहीं देख पाए, उसको पहचान भी नहीं पाए। मुन्नी के परिजन मुन्नी को लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे, जहां उपचार के दौरान मुन्नी की मौत हो गई। साफ तौर से कहा जा सकता है, एक टू व्हीलर चालक ने मुन्नी को बेवजह ही मौत के मुंह में धकेल दिया। अस्पताल की पुलिस चौकी में 1030/22 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पंचनामा करने की कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। हमारी टीम ने पोस्टमार्टम रूम के पास मौजूद मुन्नी के परिजन से बात की। वहां पर उनका पूरा परिवार मौजूद था। जितने लोग कल वहां पर उनके साथ काम करने गए थे, लगभग सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद थे। फिर चाहे वो उसके पति हो, उसकी बहू हो या उसकी बेटी हो, सबका यही कहना था, वो आगे जा रही थी, हम लोग थोड़ा पीछे थे। पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आई, उसने उनको ठोकर मारी, मोटरसाइकिल उनके ऊपर गिर पड़ी। हम लोगों ने मोटरसाइकिल उठाई, तब तक मोटरसाइकिल चालक वहां से भाग गया। हम उनको रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। खेते घास शाम के काटने आए खेते से, तो वहां से गाड़ी आई और मम्मी को उठा दी, गाड़ी मम्मी को उतर गिर गई। मेरी ननद थी तो मम्मी को उठाई, हम गाड़ी को उठाई। गाड़ी वाला कहां गया? गाड़ी वाला भाग गया। एक्सीडेंट हुई का? यह काम करके आवट रही रोड है, रोड ये दुपहिया वाला बड़ा अनजान ना जाने नहीं कम जाने वो मार के रोड में गिरा रही। फिर आप लोग को कैसे पता चला? फिर जब पीछे हम बजे रहे हैं। क्या नाम है आपका? रत्तू। आपकी कौन थी? पटनी। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।